बीती रात गुरुग्राम के पौश इलाके डीएलएफ फेज 5 के एक मकान की तीसरी मंजिल पर अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। 10 फीट के इस इंडियन रॉक अजगर को मकान के तीसरे फ्लोर पर उस वक्त देखा गया जब बीती रात मकान में रहने वाले युवक को कुछ आवाजें सुनाई थी, और जब तीसरी मंजिल पर जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। युवक ने तुरंत इसकी सूचना सोसाइटी प्रबंधन को दी, जिसके बाद वन्य जीव अधिकारियों को बुलाकर अजगर को पकड़ लिया गया। करीब 10 बज रहे थे और मुझे लगा कि कुछ है, क्योंकि थोड़ी आवाज हुई। वो एक होता 5 लीटर का कंटेनर, वो गिरा था, खाली रखा था, तो उसके टच करने से गिर गया। तो मुझे लगा कि कोई बंदर वगैरह आ गए, तो मैंने बाहर जाके देखा तो अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दिख पर कुछ की साइड में कुछ है यहाँ पर, तो लाइट जलाया तो पड़ा हुआ था वहीं पर। मकान में घुसे इस अजगर को पकड़ने में करीब 20 मिनट लग गए। वन्य जीव अधिकारियों का कहना था कि पिछले कई सालों के मुकाबले इस साल रिहायशी इलाकों में अब तक 15 से ज्यादा अजगर मिल चुके हैं, जो कि ज्यादा बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। पता नहीं पिछले 2-3 महीने से इस बार अजगर कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 14-15 अजगर रेस्क्यू मैं खुद भी अपने तरीके से कर चुका हूँ, फॉरेस्ट वाले अलग से कर रहे हैं, और भी कई लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से या तो बारिश की वजह से ये गर्म स्थानों की तलाश में जंगल से निकल रहे हैं, या कुछ खाने की तो शायद कमी नहीं है, क्योंकि अब बारिश पानी भी हो गया और इतने जीव जंतु जंगलों में अरावली में हैं, तो शायद ये कुछ गर्म स्थानों की तलाश में या मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपको बता दें कि अंदेशा लगाया जा रहा है कि मकान से सटे पेड़ के सहारे अजगर तीसरी मंजिल पर पहुंचा था, और अब इस घटना के बाद पेड़ की छटाई कर दी गई है। वन्य जीव अधिकारियों की माने तो अजगर पूरी तरह से स्वस्थ था, जिसके चलते उसे अरावली के जंगलों में छोड़ दिया गया है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।